फ्रेंड्स, आज हम एक पेंसिल शेप का एक पेंसिल पाउच बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये रेड कलर का कपड़ा लिया है और ये रबर सीट का है और ये जो नीचे का है वो लाइनिंग का है। इसका इस तरफ है मेजरमेंट 9 इंच और इस तरफ है 8.5 इंच। अब हमें इसमें इस तरह से सीधी लाइन में क्विल्टिंग करना है और ब्लैक कलर के धागे से करना है और दो बार सिलाई करनी है। एक ही सिलाई दो बार हम करेंगे ताकि इस तरह से ये दिखे जो पेंसिल में रहता है ब्लैक कलर का, उस तरह से। इसको मैंने सफाई कर दी है तो इसका थोड़ा मेजरमेंट फिर से मैं बता रही हूँ, 8.25 है और इस तरफ है 9 इंच। थोड़ा सा कम हो गया है एक तरफ। अब ये मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा इस तरह से लिया है जो इस तरफ है 8.5 इंच और इस तरफ है 1.5 इंच, 1.5 इंच, और इसको हम इस तरह से सीधा ही लगा देंगे चारों तरफ। मैंने सिलाई कर दी है। अब ये वाइट कलर की पट्टी ली है कपड़े की, तो इसको हम इस तरह से पहले सिलाई करेंगे और फिर से इस तरह से फोल्ड करके हम लगा देंगे इस तरह से। और इसका मेजरमेंट है इस तरफ है 1.25 इंच, मतलब 1.25 इंच, और इस तरफ है 8.5 इंच। और ये पट्टी मैंने इस तरह से लगा दी है। अब एक जिप ली है जो हमें इस तरफ लगानी है, तो ये लेंथ हमारी 9 इंच की है, तो ये जिप भी मैंने 9 इंच की ली है। कपड़ा है जो लाइनिंग का, वो मैंने इसी के साइज का लिया है जो हमारा मेन कपड़ा है उसके साइज का। यहाँ पर हम इस तरह से जिप को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर ये कपड़ा इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर देंगे। यहाँ पर ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसको इस तरह से सीधा करके हमें दाग सिलाई लगानी है। यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हमें ये जो जिप का एक दोनों पार्ट अलग करके एक पार्ट है जो हमें यहाँ पर सामने लगाना है, उसको भी हमें उल्टा रखना है। और लाइनिंग का कपड़ा जो नीचे है उसको हमें नीचे से ऊपर लेके इस तरह से रहेगा, यहाँ पर सिलाई कर देनी है। ये मैंने यहाँ पर सिलाई कर दी है। अब हमें इसको फिर से जो लाइनिंग का कपड़ा है उसको नीचे करेंगे सीधा करके। और यहाँ पर हम दाग सिलाई लगा देंगे। ये मैंने दाग सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हमें साइड में भी एक एक सिलाई कर देंगे इस तरह से। अब हमें इसको जो रनर इंसर्ट करना है, हमें तो रनर का जो पॉइंटिंग पार्ट है वहाँ से हमें इंसर्ट करना है। और इसमें भी ध्यान रखना है कि ऊपर से हमें इंसर्ट करना है। इस तरह से एक बार इंसर्ट करके निकाल देंगे और फिर से करेंगे ताकि जिप दोनों तरफ बंद हो जाए। अगर आप चाहे तो दोनों तरफ एक एक सिलाई भी कर सकते हैं ताकि उल्टा करने पर फिर से जिप खुल ना जाए। इसको इस तरह से करके प्रेस करके इस तरह से इसका मेजरमेंट करेंगे तो ये 10.5 सेंटीमीटर हो रहा है। ये मैं सेंटीमीटर में बता रही हूँ क्योंकि ये इसका थोड़ा एक्यूरेट चाहिए हमें माप इसके लिए। और नीचे लगाने के लिए मैंने राउंड शेप का पहले कार्डबोर्ड में कट किया है, वो किस तरह से किया है वो मैं बता रही हूँ। इसका जो रेडियस होता है इस तरह से जो हम करते हैं सर्कल बनाते हैं, ये जो मेजरमेंट है वो मैंने 3.5 सेंटीमीटर लिया है। यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर का मैंने सर्कल बनाया है और वही सर्कल हम फिर ये क्विल्टेड कपड़ा है उसमें उसके ऊपर रख के हमें कट करना है। ये मैंने
कट कर लिया है। इसको हमें यहाँ पर जो हमने ब्लैक कलर का पट्टी लगाई है उस तरफ हमें लगाना है, और ये रेड कपड़ा जो है वो रेड कलर का है वो अंदर चला जाएगा और लाइनिंग का कपड़ा वाला पार्ट बाहर रहेगा। उस तरह से हमें इस तरफ को जोड़ देना है। इस तरह से ये मैंने जोड़ दिया है। अब हमें यहाँ पर पेंसिल का पॉइंट बनाना है, तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है, एक तीन कपड़ा लिया है, जो एक मेन कपड़ा है और रबर सीट है और लाइनिंग का कपड़ा। वो किस तरह से कट किया है तो पहले कागज़ में कट करके बता रही हूँ। ये जो पहले हम कागज़ लेंगे वो 18 सेंटीमीटर का है, इस और इस तरफ है 10.5 सेंटीमीटर, 18.5 और 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसको फोल्ड करना है और जो खुली साइड है वहाँ पर हमें 4.5 सेंटीमीटर पे यहाँ पर मार्क करना है, 4.5 सेंटीमीटर, ये मैं सेंटीमीटर में बता रही हूँ। और यहाँ से हमें कर्व शेप देना है ऊपर से, इस तरह से यहाँ से यहाँ हमें कर्व शेप देना है, और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी लाइन स्केल से। अब यहाँ से इतना जो है हम कट कर लेंगे, ये मैंने कट कर लिया है, और कट करके हम ये खोलेंगे तो इस तरह के शेप का बनेगा, और उसी के शेप का भी मैंने तीनों कपड़े कट किए हैं इस तरह का। हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है और क्विल्टिंग करना है। क्विल्टिंग मैंने इस तरह से किया है, ऊपर से लेके इस तरह से लाइन बनाई है। अब हमें इसमें ये जो है वो पेंसिल का पॉइंट बनने वाला है, तो यहाँ पर हमें ऊपर ब्लैक कलर चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये जो गम वाला पार्ट होता है बुकरम का, उसके ऊपर कपड़ा चिपका के इस तरह से कट कर लिया है स्टेप जो चाहिए हमें, और इसको यहाँ पर हम सिलाई करके जोड़ देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई कर दी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे ऊपर, ताकि इसका पॉइंट सीधा करने पर पॉइंट इसका अच्छा दिखे। इसको अब हम सीधा कर लेंगे। ये मैंने अच्छे से पॉइंट निकाल दिया है इसका। अब इसको हमें ये जो पेंसिल का हमने दूसरी तरफ खुला है वहां पर इस तरह से रख के सिलेक्ट कर देंगे। अब ये जो रफ है पार्ट, रफ वो जो धागा दिख रहा है उसको हमें कवर करने के लिए ये मैंने नॉन वोवन कपड़े में से पट्टी काट के हमें इस तरह से सिलाई करके कवर करना है। दोनों तरफ हम कवर कर लेंगे। इसको मैंने इस तरह से कवर कर दिया है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, फिनिशिंग दे देंगे। इसको अब हम सीधा कर लेंगे। और ये पेंसिल हमारी रेडी हो गई है। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से बना कर देंगे तो खुश हो जाएंगे। बच्चों को ऐसा अलग अलग शेप का ये सब अच्छा लगता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।